you to leave if I hear you talking in the camera again, okay? You don't have to. I'm just letting you know. I'll do it. Okay? I'll do it. Don't worry. Thank you very much. मैं हूँ इस वक्त बिग बस वेलकम सेंटर में और सबवे से ब्रुकलिन से मैं सबवे लेकर यहाँ पहुँचा। ये लोकेशन है टाइम स्क्वायर में और यहाँ एक्चुअली ये मैंने बताया था आपको कि आज पूरे दिन मैं बिग बस का ट्रिप करने वाला हूँ। हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस है ये, तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था इस ट्रिप को क्लूक से और क्लूक ने मुझे मेल किया इनका जो QR कोड था या फिर आज के दिन का पास था। तो वहाँ सामने जो कतार है पूरी जो लाइन लगी हुई है, ये लोग टिकट खरीदने के लिए आए हैं या फिर पास लेने के लिए आए होंगे मेरी तरीके से। हाय, तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपना पास लेने के लिए। शाम 6 बजे तक लास्ट बस है इनकी, बिग बस। तो बेसिकली इन्होंने ये QR कोड स्कैन किया जो मुझे क्लूक ने भेजा था मेल करके। थैंक यू वेरी मच। तो ये है जनाब बिग बस न्यूयॉर्क और मैं इसका ट्रिप करने वाला हूँ। तो इस बस का फ़ायदा ये है कि आप ये बेसिकली टूरिस्ट के लिए ही है, पूरे शहर में ये घुमाएगी सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 8 बजे से ट्रिप शुरू होता है मगर मैं बहुत लेट हो गया हूँ, दोपहर 1 बजे इस ट्रिप को शुरू कर रहा हूँ, शाम 6 बजे तक ही ये रहेगा। बट ठीक है, मुझे इसको करना है तो करना ही है। इस बस से मैं कहीं पर भी उतर सकता हूँ, कहीं पर भी चढ़ सकता हूँ। ये हर कुछ 15 या 20 मिनट बाद ये आती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ, चढ़ो और उतरो जहाँ मर्जी। दिल्ली में भी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस काफ़ी टाइम पहले तो होती थी, अब पता नहीं है या नहीं है। बताइएगा आपके भी शहर में अगर हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस है या नहीं, कमेंट्स करके। अच्छा रहेगा, और लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश में किन किन शहरों में ऐसी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस है। इसमें फ्री वाईफाई है, हालांकि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। और मेरी फेवरेट सीट एज़ यूजुअल सबसे ऊपर, सबसे आगे वाली, बट देखते हैं मिलेगी या नहीं। लाइन में काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। हाय, हेलो, दैट्स माय टिकट, यू वांट टू, ओके, ऑलराइट, वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्राम इंडिया। Delhi, Bombay, or Bangalore? Delhi. Delhi. Okay. What should I do? You have to put that in so you can hear the tour. All right. Okay. Okay. Hello. ये earphone मिला है, नीचे कोई नहीं बैठ रहा। Downtown. Hi guys, how you doing? Hi buddy, how are you? Thanks. Thank you. So should I sit here? Is it okay? You can sit anywhere. Oh, all right. Thanks. इन्होंने ये टिकट दी है मुझे, इन्होंने कहा था इस टिकट को बिल्कुल खोना नहीं है, अगर आप खो देंगे तो फिर आपको दोबारा से खरीदना पड़ेगा। ये है टिकट। Can you speak slow? I cannot speak slow because if I speak slow, it's going to take the whole. I'm not able to understand anything. Slow like this. You understand what I mean? Hello everybody, this is the downtown tour. Thank you, this is perfect. I can't talk like that, sir. Am I speaking too fast, guys? Alright, I guess I'm gentlemen, I'm speaking too fast. This is how I talk. This is how us New Yorkers talk. So right now everybody, you're going to make my first stop. This is This is Pehla stop, 42nd Street. Once you get off here, they take downtown tour. कई लोग सच में बहुत रूड होते हैं। मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को अगर आप स्लो कर लोगे तो मुझे भी समझ में आएगा। इंग्लिश का एक्सेंट एक तो थोड़ा सा अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का होता है। अब मैं अगर इस टूर को करने के लिए आया हूँ तो भाई ये गाइडेड टूर है, और अगर आप इतने तेज़ बोलेंगे, इतनी स्पीड से बोलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। बिग बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपका। ये वाले भाई साहब थोड़ा सा रूड थे। मैंने बहुत पोलाइटली इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा सा स्लो प्लीज़, कहते हैं मैं तो बहुत धीरे धीरे बोलूँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। और फिर बेइज्जत करते हुए बाकी और लोगों से पूछ रहे थे कि क्या मेरी स्पीड वाकई बहुत फास्ट है। No, I'm not good. I wasn't talking that fast. It was fast. Okay. Everybody else doesn't have a problem with me talking. It's only you. But instead of cooperating with me, you are speaking. Means you are asking. You are like humiliating me. Well, First off, she said I was speaking fast. Yeah, you were fast. I was not talking fast. I paid just because I want to understand what is here. Okay, I trusted people. You understand me. I think you're just overblowing it. So if you want to get on the bus and go on the tour, that's fine. I just requested you. You can't tell me how to do my tour. This is how I do my tour. I talk and do my tour like how I want to. You can see a lot of people are there from a lot of people is not. They don't have a problem with my tour. It's only you. Yeah, it's me, yeah. Yes, because I paid the Big Bus. So I'm just requesting if it's possible, then it's okay. But don't humiliate me. Listen to me. That's not the way, sir. All I'm saying is that I'm going to do my tour how I do my tour. Okay, everybody. ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है केविन और इस बस को ड्राइव कर रहे हैं माँ बिग बस थोड़ा सा ख्याल रखिए प्लीज़ आप लोगों ने आप पर भरोसा किया है मुझे उम्मीद थी कि आप सारी जगह दिखाएंगे अब इस तरीके से बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा यार हम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंच भी गए अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस लेवल पे हूँ और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने है एक और ट्रिप है वो सामने जा रहा है सिटी साइटसीइंग वाला ग्रे लाइन उस पर लिखा हुआ है आप अगर चाहें तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं भाई कभी आप अगर चाहें तो जैसे ये चौथा स्टॉप है इस बस का बिग बस का आप चाहें ये डाउनटाउन लूप है इसका तो आप अगर चाहें तो इस बस से उतर के अगली बस का इंतज़ार कर सकते हैं उसमें दूसरे गाइड आपको मिल जाएंगे I'm not going to ask you once again to lower your voice. Well, I'm having a problem with this, so I'm going to ask you to leave if I hear you talking in the camera again, okay? I'm just letting you know. I'll do it. Thank you very much. Kevin भाई साहब ने अभी भी एक बात कही कि अगर आपको मेरी कमेंट्री अच्छी लगी है तो ट्रिप एडवाइज़र पे जाके मुझे आप रेटिंग्स दे सकते हैं मेरा नाम है केविन थैंक यू केविन भाई साहब बताने के लिए बैटरी पार्क है सारा का सारा और यहाँ इस तरफ है स्टैटन आइलैंड फेरी टर्मिनल और वहाँ पर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए जो लग्जरी जो टूरिस्ट के लिए जो फेरी चलती हैं स्टैटन आइलैंड फेरी एक्चुअली फेरी सर्विस है स्टैटन आइलैंड जाने के लिए फ्री सर्विस है कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है इस फ्री फेरी का मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अर्पित और वैभव उन्होंने बताया था कि आप इस फ्री सर्विस का इस्तेमाल करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के काफ़ी करीब से निकलेंगे तो अगर आपको उसमें पता नहीं कितनी कुछ डॉलर्स हैं $24 वगैरह की फ़ीस है शायद तो अगर आपको वो बचाने हैं और आपको अगर इस पूरे ट्रिप में एंगेज नहीं होना है जिसमें एक दूसरा एक म्यूज़ियम भी है तो आप चाहें तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस कर सकते हैं चार्ज कर रहे हैं लोग और ऐसे ही बैठे हुए हैं सारी जनता ऐसे बैठी हुई है तो सोचा मैं भी बैठ जाता हूँ ये फ्रॉम मेक्सिको व्हाट्स योर नेम राहुल माय नेम इज़ वरुण Nice to meet you. India, same here. So, but what are you going to do in Staten Island? Just for. Yeah. मैं भी ऐसे ही पता नहीं मतलब कोई पूछे कि क्या करने जा रहे हो पता नहीं. I said that even I am going. I don't know why I am going, but I'm just going. Yeah. Just going. It's a new experience, you know. Yeah, just to experience it. Yeah. And it's free. Yeah. भाईजान है मेक्सिको से. और मेक्सिको के लोग कुछ इंडियंस जैसे दिखते हैं ओला इज़ हाई और इसके बाद है ग्रासियस मतलब होता है थैंक यू वेमिनियोस मतलब वेलकम और इसके बाद आदियोस इज़ इट ओके या आदियोस मतलब बाय एक बात मैं आपको बता दूं जब भी आप इस शहर में आते हैं तो थोड़ा सा अपने सामान की परवाह करें यहाँ पर अक्सर मेट्रो में अनाउंसमेंट होती रहती है चीप कतरों से सावधान एक्सक्यूज मी फ्रॉम वेयर कैन आई गेट अ बेटर व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी परफेक्ट थैंक्स अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू वहाँ से ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा यानी फेरी में चढ़ने के बाद राइट साइड पर जाना है आपको और बहुत सारी जनता वहाँ बैठी हुई है बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू लेने के लिए फ्री में बैठ जाते हैं इसीलिए भाई साहब ने मेरा सवाल पूछने से पहले बता दिया पैटर्न यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है और वो है न्यू जर्सी करना चाहते हैं इस आइलैंड को तो यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन काउंटर। 3:30 हो रहे हैं और अब मैं फिर से स्टैटन आइलैंड से जा रहा हूँ मैनहट्टन की तरफ इस फेरी में सवार होकर। तो इस तरह की गलती ना करें, कोई अपने ईयरफोन्स ये वाले यहाँ छोड़ के चला गया है। एक पब्लिक पार्किंग है जो 24 घंटे खुली रहती है और यहाँ पर पार्किंग के रेट्स पता है क्या हैं? वहाँ लिखा हुआ है $550 पर मंथ अगर आपके पास बड़ी कार है तो, और $480 अगर आपके पास छोटी कार है तो पर मंथ। ये चार्ज है जनाब। ये है बड़े शहर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों की कहानी जहाँ पार्किंग, रियल इस्टेट, ऑफिस स्पेस, रहने के लिए जगह, सब कुछ महंगा है। यहाँ तक कि जो चिपोटले मैंने अटलांटा में राहुल भाई के साथ खाया था $5 या $6 का, वो यहाँ पर $10 के आसपास था। बिग बस वाली उस बस को छोड़ के अब मैं भाग रहा हूँ फटाफट 46 स्ट्रीट पर, जहाँ से मुझे अप टाउन लूप वाली बस मिलेगी। 47 मैं क्रॉस कर चुका हूँ और ये सुविनियर लेने की अच्छी जगह है। 99 सेंट से शुरू होता है और ये वो जगह है जहाँ से मैं कल लाइव कर रहा था। शायद ये मेरी बस होगी। Yeah, I've already done. Yeah. Thank you. Thanks a lot. सेंट्रल पार्क आ गया था इसलिए मैं उतर गया इस बस से। 5:30 बजे के आसपास ये बस चली थी और अब 6:20 हो रहे हैं। शायद 15-20 मिनट बाद अगली बस आएगी। थोड़ा बहुत सेंट्रल पार्क देख के आता हूँ। अब सेंट्रल पार्क के साथ में मेरे ख्याल से मेरा न्यूयॉर्क का जो ट्रिप है वो ख़त्म हो जाएगा। वो बहुत ही आइकनिक जगह है न्यूयॉर्क की, वो शायद मैं पूरी कर लूँगा सेंट्रल पार्क के साथ। Is that what you're looking to do? Yep, yeah. Okay, so if you go down the path directly behind me, you get to what's called Conservatory Water. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे इस इन्फॉर्मेशन सेंटर से। बस से उतरा था वहाँ और यहाँ सीधा आया और ये देखा यहाँ पर टूर्स और फ्री मैप्स लिखा हुआ है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये जो सेंट्रल पार्क है ये एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1 किलोमीटर। मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से सीधा ऐसे नीचे चले जाओ, यहाँ पर सबवे स्टेशंस हैं। तो मैं यहाँ से पैदल निकल जाऊँगा, करीब 1 घंटा लगेगा। ये जो सेंट्रल पार्क है सुबह खुलता है जब सनराइज़ हो जाता है और शाम को तब बंद होता है जब सनसेट हो जाता है। प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड करें, पब्लिक फाउंटेन्स का इस्तेमाल करें। सेंट्रल पार्क में इस तरीके से लेटे हुए पसर के आसमान को निहारना, इस सेंट्रल पार्क को निहारना और इस दुनिया को निहारना, ये जो लोग कोई अपने परिवार के साथ में है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, मतलब जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं, यहाँ पर लाइफ भागने दौड़ने वाली नहीं है, एटलीस्ट इस पार्क के अंदर। ऊपर हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं आसमान में और उधर हैं मीनारें बड़ी बड़ी। हमने यहाँ लोग पिकनिक मना रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं। हम जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पर भी सेंट्रल पार्क जैसे कुछ इस तरह के पार्क्स हों, बड़े बड़े पार्क्स हो, नेचुरल सा कुछ ये माहौल हो, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत हरी भरी घास है, सब कुछ बहुत नेचुरल है। ये होना चाहिए ना हमारे शहरों में भी। अच्छा लग रहा है सच में यहाँ आकर, हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए।